और जनपद पौड़ी गढ़वाल की नवनियुक्त एसएसपी श्वेता चौबे ने कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गई है। एसएसपी श्वेता चौबे ने लापरवाही बरतने के आरोप में कलाल घाटी पुलिस चौकी प्रभारी इंचार्ज प्रदुमन नेगी और सिपाही को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह निलंबन मृतक गजेंद्र के परिजनों के आरोप के बाद किए गए हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर को मृतक गजेंद्र के साथ कलाल घाटी चौकी के पास में कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें गजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस चौकी में की थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने तहरीर पर कार्रवाई न करते हुए उल्टे समझौते का दबाव बनाया। वही रविवार को इलाज के दौरान गजेंद्र की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सर्वोदय चौक पर सड़क जाम कर दिया था। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की लचर कार्यप्रणाली को देखते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी और पुलिस चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किए जाने की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने कुंभकर्ण की नींद से उठते हुए तत्परता से कार्रवाई की है और हमलावरों को गिरफ्तार किया है। ऊटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। 20 तारीख की है और 20 तारीख की रात के 11 बजे की घटना है। पहले तो उस लड़के के साथ में इन्होंने यहाँ पे मारपीट की दूसरी जगह, फिर यहाँ पे आके इन्होंने राजपूत चौक पे मारा उस लड़के को। अगर मार भी दिया था तो इतना नहीं मारना चाहिए था उस लड़के को, जो सब जान से खत्म कर दिया है। इन्होंने 20 तारीख की घटना के बाद 23 तारीख को चौक की कलाल घाटी में प्रार्थना पत्र किया। प्रार्थना पत्र के आधार पर चौकीदारों ने एनसीआर दर्ज की तथा जो घायल थे उनको यहाँ हॉस्पिटल एडमिट किया गया। बाद में उनको इंद्रेस हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इलाज के दौरान आवश्यक उनकी पता है कि डेथ हो गई है। किसी लोगों ने यहाँ पर दुखाता में जान की लगा रखी है।